नमस्कार, बाप की अदालत में आपका स्वागत है। और आज के हमारे अतिथि हैं जिन पे हम बहुत सारे आरोप लगाएंगे, एक छोटे से नन्हे से यूट्यूबर जिनको आप यूट्यूब पर भी खोजते होंगे, तो उनका नाम है खोज दे। नमस्कार, देख सकते हैं आप, हमने आखिरकार खोज ही दिया इन्हें। बैठे, इतने बड़े फनकार नहीं है आप। तो चलिए आरोपों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हैं और लगाते हैं पहला आरोप। पहला आरोप से पहले मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। बताइए, आपका नाम खोज दे कैसे पड़ा? खोज दे हमारा नाम ऐसे पड़ा है, इसके पीछे बहुत ही ऐतिहासिक कारण है। क्या ऐतिहासिक कारण है? हम धनबाद के छोटे से विलेज में रहते हैं। छोटे से? वहां के जिला अस्पताल में जब हम पैदा हो रहे थे तो नर्सें आवाज दे रही थी, खोज रे खोज रे खोज रे। तो 350 ग्राम के हम कोने में पड़े हुए थे, खोज दे ऐसे पड़ा हमारा नाम। तो देख सकते हैं आप, आज हमारे चैनल में खज्जल शर्मा की अदालत में ये रिवील हुआ है कि इनका नाम खोज दे कैसे पड़ा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आरोप हमारा ये है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? 4 फुट 2 इंच हाइट है हमारी। नहीं, 4 फुट 2 इंच हाइट है आपकी, लेकिन आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? बिलोंग वही 4 फुट लॉन्ग है हम। अरे 3 इंच का भी आपका होगा लेकिन 4 फुट लॉन्ग भी होंगे, बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं, हाइट हम बता तो दिए, 4 फुट 3 इंच है हमारी। ये यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं कि यूट्यूब आगे कैसे बढ़ाए। आप रहते कहाँ हैं, कहाँ के आपकी पैदाइश है? देखिए, हम गाँव में तो रहते नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? विलेज में रहते हैं, धनबाद के। विलेज को ही गांव कहा जाता है, ये हम अपने ऑडियंस को बता देते हैं। है? Oh, no. जी, हमको आज पता लगा है। जी, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बनने वाले हैं आगे। हाँ? देख सकते हैं आप, ऐसे लोग ज्ञान देंगे तो ज्ञान का भो। चलिए मैं आगे नहीं बताऊंगा। चलिए ज्ञानवर्धक चोदक जी, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, हम नए सिलसिले को बढ़ाते हैं। आप जो आप इतना ज्ञान चूतते हैं ना, आपको मुंह का पता ना गांड का पता, ज्ञान देते हैं आप ब्रह्मांड का। देखिए, ब्रह्मांड का ज्ञान तो हमको नहीं है, लेकिन YouTube पे जो हम ज्ञान देते हैं किसी काम का तो होता नहीं है, लेकिन लोग उस पर इंगेज हो जाता है हमारी वीडियो पे, हम टाइटल थंबनेल ऐसा बना देते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप, लोग चूतियां हैं या आप चूतियां हैं? लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमको नहीं देखता है, हमको देखता है नया नया यूट्यूबर जिसको तुरंत अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है। हम उस पर थंबनेल ऐसा लगा। इसके अलावा आप जीवन में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते भैया, नाते धोते मैं वैसे ही नहीं है, कैया करुआ जैसे हम हैं वैसे ही। और विलेज देख सकते हैं आप कैसे ये लोगों को चूतिया बनाते हैं, कैसे ये YouTube पे सिर्फ एक ही तरीके की वीडियो डालते हैं कि YouTube कैसे चलाएं। हालांकि इनका खुद का YouTube आज तक नहीं चला है। चला है, दो दो चैनल है हमारा, 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर हमारा। दो नावों पे चढ़ना, गांड फाड़ के मरना। ओ भाई साहब, वैसे ही इन्होंने अरे करोड़ों रुपया कमाया हूं मैं, करोड़ों होता है करोड़ों। देख सकते हैं आप, ये ज्ञान देंगे तो ज्ञान का क्या होगा। तो चलिए आज के शो को यहीं समाप्त करते हैं, आज के आरोपों को यहीं समाप्त करते हैं। इस एक लाइन मनोस्थिति से नहीं, जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ कुछ मत बोलिए। अरे करोड़ों रुपए हम, देखिए कहाँ गया हमारा चाबी, लाखों का हम मकान बनाया, करोड़ों की हम गाड़ी ले खड़ा है। यूट्यूब का पावर है यूट्यूब का, लीजिएगा। मैं चाबी देख सकता हूँ? चाबी देखिए, स्कूटी की है हमारे। देख सकते हैं आप, ये कहावत सच होते हुए कि हंस चुकेगा दाना, YouTube को पावर को आप एक्सपेरिमेंट मत करिए, ये कौवा मोती खाएगा। तो ऐसे ही कौओं को अगर आप आगे भी मोती खिलाना चाहते हैं तो प्लीज इन लोगों को सब्सक्राइब करें और इनको देखें, ताकि आपकी मनोस्थिति और बिगड़े और आप और पागल हो जाए और आप भी यूट्यूब पे आ जाए। इस बार हम आपको मार नहीं पाएंगे क्योंकि हल्का है हम आपसे, आपका भी हल्का है। तो चलिए इसी शो को समाप्त करते हैं ऐसी ही हैप्पी एंडिंग के साथ।